नमस्कार, उड़ान एस अकेडमी की ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं प्रदीप राव आपका स्वागत करता हूँ। आज की स्टूडियो में देखने वाले हैं भारतीय इतिहास से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न जो मुख्य परीक्षा से संबंधित होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, उड़ान एस अकेडमी प्री और मेंस के लिए इंटीग्रेटेड बैच प्रारंभ कर रहा है कल अर्थात 25 अगस्त। ये बैच होगी शाम को जो हेड ऑफिस में संचालित होगी रजबंधा मैदान के समीप, और एक बैच जो है प्री प्लस व्यापम को देखकर डिजाइन किया गया है। यह बैच जो है हमारे ब्रांच ऑफिस अर्थात सिटी प्लाजा में संचालित होंगी दोपहर 11 बजे से 2 बजे की बैच। अब आते हैं हमारे टॉपिक में, तो मैंने यहाँ बेसिक से अभी क्वेश्चन लिए हैं। जैसे हमारा सीरीज आगे बढ़ते जाएगा प्रश्नों की जो प्रकृति होगी वैसे ही वैसे क्या होती जाएगी, वो टफ होती जाएगी। अभी देखिएगा, जैसे मैं एकदम सिंपल सिंपल प्रश्न लेकर आया हूँ ताकि आप इनका जो है कैसे इनको अटेम्प्ट करें, कैसे इनको लिखना है ये भी इस बात का ध्यान रखें। अब हम क्या देखते हैं, जैसा हमको कोई प्रश्न पता रहता था हम उसको विस्तार से लिखने लग जाते हैं। हमें देखना चाहिए कि वो पूछ क्या रहा है। पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि वो पूछ क्या रहा है, उतने में ही आपका एक नॉलेज या वे हो जाना चाहिए कि इस आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है। यदि हमें उसका ज्यादा उत्तर पता हो तो आपको देखना है कि क्या उसमें पूछा गया है, यहां तक आपको देखना है। फिर देखना है कि कितने नंबर का है, कितने अंक का है, ये कितने अंक का है, क्या पूछा गया है, कितने अंक का है, और कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान रखना है। तो देखिएगा, अभी यहां पर क्या लिखा हुआ है, नवपाषाण काल की चार प्रमुख विशेषताएं लिखिए, 2 अंक का प्रश्न है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि 2 पॉइंट आंसर लिखें। जैसे 4 पॉइंट में आपको आंसर लिखना है, 4 पॉइंट हो गए। अगर आपको पता होगा तो ये युग जो है कृषि काल कहलाता है, कृषि कार्य प्रारंभ हुआ था, स्थायी आवास के यहां पर क्या मिलते हैं आपको, साक्ष्य मिलते हैं, स्थायी निवास के साक्ष्य मिलते हैं, ग्रामीण संस्कृति का विकास होता दिखता है आपको, ग्रामीण संस्कृति का विकास हो, मैं एकदम शॉर्ट में लिख रहा हूं लेकिन आप लिखेंगे तो कृषि काल, कृषि का काल कहलाता है नवपाषाण काल, आप लिखेंगे दूसरा इस काल में मनुष्य ने स्थायी निवास प्रारंभ किया था, तीसरा पॉइंट हो जाएगा ग्रामीण संस्कृति का विकास हुआ, पहिए की खोज, इसके अलावा आग का व्यापक प्रयोग प्रयोग इस काल की ही देन है। तो इतना आपको क्या है, पॉइंट्स याद रखने हैं, इतना आपने लिख लिया तो सफिशिएंट है। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों का नाम लिखें। 2 अंक का प्रश्न है, मतलब आपको क्या करना है, 2 अंक तक ही लिखना है, 9 नाम लिखना है आपको, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर इस प्रश्न को बढ़ाना होता तो 4 नंबर में पूछता ये कौन कौन से क्षेत्र में विद्वान थे, क्षेत्र जैसे कालिदास जी महाकवि थे, वराहमिहिर खगोल शास्त्री थे, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो यहां पर आपको क्या करना है, नाम ही याद रखना है, नाम ही लिखना है। जैसे यहां पर कौन आ जाएंगे, कालिदास, वराहमिहिर, वररुचि, ये व्याकरणाचार्य थे, वेताल भट्ट, ये जादूगर थे, शपनक, ये ज्योतिषी थे, धन्वंतरी, धन्वंतरी ये चिकित्सक थे, घटकर पर, घटकर पर जो थे वो कूटनीतिज्ञ थे, शंकु शिल्पकार थे, और एक और नाम है अमर सिंह, ये कोशकार थे, अमर कोश की इन्होंने क्या की थी, रचना की थी। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से विद्या में माहिर थे, तो 2 पॉइंट ही आंसर लिखना है और इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर बात करें अगले प्रश्न की, तो तुलसीदास की रचनाओं का नाम लिखे, आपको ये मान के चलिएगा कि 4 नाम आपको लिखना है। तो 2-3 नाम तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, बार बार पढ़ा होगा किताबों में, जब भी पढ़ते हैं तो, जैसे रामचरित्र मानस, मानस ये तो हम पढ़ते ही, कई बार आपने पढ़ा होगा, विनय पत्रिका ये तो प्री में भी पूछा जा चुका है, कविता वाली,
दोहा वाली, रामलला नछुहू, बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। तो आप इन रचनाओं को सीधा सीधा टू द पॉइंट लिखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, काकोरी ट्रेन एक्शन घटना में किन क्रांतिकारियों को मृत्युदंड दिया गया था। तो ये भी दो नंबर का है, अगर ये चार नंबर का होता तो आप बता सकते थे कब यह घटना हुई थी। यह घटना जो हुई थी 9 अगस्त 1925 को हुई थी, सहारनपुर स्टेशन के पास काकोरी नामक स्टेशन में। तो आपको बताना है कि यहां पर केवल पूछा गया है कि कौन इसका नेतृत्व करता था, मतलब किनको किनको क्या मिला है, फांसी की सजा हुई थी। तो 29 क्रांतिकारियों को पकड़ा जाता है और उनमें से चार क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी जाती है। इन सब के जो लीडर रहते हैं वो राजेंद्र लाहिड़ी होते हैं। तो राजेंद्र लाहिड़ी, फिर रोशन लाल नेतृत्वकर्ता, याद रखिएगा राजेंद्र लाहिड़ी थे। फिर उसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल, बिस्मिल, फिर है अशफाक उल्ला खान। एक तो ये नाम, चार नाम। अब इन चारों को दिसंबर के आसपास, दिसंबर 1927 के आसपास क्या होगा, फांसी दी जाएगी। तो एक वो है कि याद कर सकते हैं, नहीं तो जरूरी नहीं है, क्योंकि जो प्रश्न में पूछा गया आपने उसका उत्तर दे दिया है। आपने देखा होगा लगातार हर एक मेंस के बाद में क्या होता है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जहां पर चार एग्जैक्ट नाम आपको बताने होते हैं। जैसे एक बार प्रश्न पूछा गया था क्या कि अशोक के चार उत्तराधिकारियों के नाम लिखिए, तो वो आपको डायरेक्ट नाम लिखने थे। एक बार प्रश्न पूछा गया है कि विजयनगर आने वाले चार विदेशी यात्रियों का नाम लिखे, तो वहां भी नाम लिखना है। तो वैसे ही मैंने कुछ प्रश्न ऐसे डिजाइन किए हैं जहां पर आपको टू द पॉइंट आंसर पता होना चाहिए और कुछ नहीं लिखना है इसके अलावा। तो जैसे ही हमारा अगला वीडियो आएगा इस टॉपिक में, हिस्ट्री से रिलेटेड, मेंस से वीडियो से रिलेटेड, तो वहां पर और अन्य जानकारी देंगे कि अगर मान लो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ गया तो उसको कैसे डील करना है। फिलहाल तो हमें जो पता है हम उसकी बात करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एकता प्रथा क्या है वर्णन करें। अब ये जो है चार अंक तक पूछा गया है, चार अंक अर्थात क्या है, आपको 60 शब्दों में ये प्रश्न कंप्लीट करना है, इसका उत्तर कंप्लीट करना है 60 शब्दों में। तो आपको बताना है ये व्यवस्था कैसी थी, किसने प्रारंभ किया था और इसके क्या क्या विशेषताएं थी। देखिएगा, एकता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने, जिसे हम दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहते हैं, उन्होंने किया था। अगर हमें इसका आंसर लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। इल्तुतमिश ने प्राचीन भारत में प्रचलित सामंतवादी व्यवस्था में बदलाव करते हुए एकता प्रथा की शुरुआत की, जिसका एकमात्र उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों में प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करना था। तो आपका ये एक पैराग्राफ हो गया। अब इसके नीचे क्या लिखना है वो सुनिएगा। इस व्यवस्था में इल्तुतमिश ने अपने अधीनस्थ अधिकारी को दूरस्थ क्षेत्रों में नियुक्त किया और उन्हें वेतन के स्थान पर उस भूमि का राजस्व वसूल करने का अधिकार दिया, जिससे वे अपने समस्त कार्यों का निर्वाह करते और बचे हुए कुछ राशि को राज खजाने में जमा कराते, जिसे फवाजिल कहा जाता। इससे दो काम हुए, एक दूरस्थ क्षेत्र में प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित हुआ और वहां पर राजस्व एकत्र करने से उन अधिकारियों को यह अधिकार भी मिला कि वो अपने आधार पर या अपने निर्णय भी ले सकते थे। साथ ही साथ राजस्व के रूप में कुछ हिस्सा जो है राज खजाने में भी आता था, राजकोष में भी जमा होता था, जिससे इल्तुतमिश को आर्थिक समृद्धि भी हासिल हुई। तो यहां पर आपने जो पहला पैराग्राफ देखा वो भी इम्पोर्टेंट है। सेकंड पैराग्राफ में बस इतना लिख सकते हो कि यहाँ के अधिकारियों को वो समस्त अधिकार प्राप्त होते थे जो एक शासक को होते हैं, बस इन्हें इल्तुतमिश के अधीन रहना पड़ता, आवश्यकता अनुसार उनकी सहायता करनी पड़ती। ये पैराग्राफ आप लिख सकते हैं। तो दो पैराग्राफ जो है यहाँ पर आप लिख सकते हैं और ये जो प्रश्न होगा आप चार अंक में कंप्लीट कर सकते हैं। आशा करता हूं कि ये जितना मैंने बोला उसको सुनकर आप इसका उत्तर लिख लेंगे। अगर मैं बात करूं अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न लिखा है दादा भाई नौरोजी के योगदान का वर्णन करें, और मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, चार अंक में और आठ अंक में। तो जो प्रश्न है चार और आठ दोनों अंकों में पूछा जा सकता है। अब दादा भाई नौरोजी से संबंधित बहुत सारी जानकारी आपको मिलती है, जैसे एक राजनीतिज्ञ भी थे, राजनीति के क्षेत्र में भी इनका योगदान रहा, राजनीति के क्षेत्र में इनका योगदान रहा। चार पॉइंट आप लिख लीजिएगा, आप आराम से यहाँ पर बना लेंगे। तो पहला मैंने एक राजनीति हो गया, राजनीतिक क्षेत्र में क्या हुआ, इन्होंने भारतीयों के प्रतिनिधित्व की बात की। इनका ही कहना था कि भारतीयों को प्रशासन में लाया जाए, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाया जाए, इसके लिए इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी लंदन में, और इसी के द्वारा क्या किया था, भारत में प्रचलित जो आर्थिक निकासन था, आर्थिक निकासी या धन निष्कासन सिद्धांत, उसका उल्लेख किया था।
दूसरा पॉइंट आप बता सकते हो सामाजिक सुधार में, समाज में, समाज में भी इनका योगदान रहा। इनके और इनके साथियों ने रहनुमाए मजदियासन नामक एक सामाजिक संगठन की शुरुआत की थी, जिसमें सामाजिक कुरूतियां जो चल रही थी उस तत्कालीन समाज में उसको दूर करने के लिए इन्होंने अथक प्रयास किया। तो एक ये योगदान है। साहित्य के क्षेत्र में भी ये पीछे नहीं रहे, इन्होंने बहुत सारे साहित्य लिखे, भारतीयों को जागृत किया। जैसे अगर बात करूं मैं इनका एक पत्र जिनकी शीर्षक थे इंग्लैंड अप टू इंडिया, जिसके माध्यम से इन्होंने सर्वप्रथम भारत में होने वाले निष्कासन के बारे में बताया था, जिसको हम धन निष्कासन सिद्धांत के रूप में जानते हैं। और आगे चलकर 1921 में इनकी बुक भी एक आई थी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया। तो इसमें भी इन्होंने धन निष्कासन के साथ साथ किस प्रकार भारत में ब्रिटिशों के द्वारा जो जिस नियम से यहां पर शासन किया जा रहा था उसके बारे में इन्होंने चर्चा की थी। तो ये भी इनका एक योगदान। राष्ट्रवाद के उदय में भी इनका योगदान रहा। इसके अलावा कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना भी इनका अच्छा खासा रोल रहा। जैसे कि बात करें कांग्रेस की जब स्थापना होती तो सर्वप्रथम कांग्रेस का जो नाम रहता है वो भारतीय राष्ट्रीय यूनियन होता है, भारतीय संघ। तो उसका नाम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करने का नाम जो है इन्हीं का ही, इनका ही श्रेय जाता है। और जो द्वितीय अधिवेशन होता है उनकी अध्यक्षता भी इन्होंने की थी। जब 1906 में इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तो उसी समय स्वराज शब्द जोड़ा गया था। तो इनके बहुत सारे योगदान है। तो अगर चार नंबर में लिखेंगे तो इतने पॉइंट को अगर एक्सप्लेन करेंगे तो ये चार और आठ दोनों नंबर में बन सकता है। तो एक एक करके राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, साहित्यिक क्षेत्र में, राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने में, इसके अलावा जो है कांग्रेस की स्थापना भी इनका योगदान रहा। तो ये पूरे के पूरे जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं आपको इसका आंसर लिखने के लिए, इस प्रश्न का आंसर लिखने के लिए। अगर बात करूं मैं अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न जो है यहां से एक क्वेश्चन पूछा ही गया है, मेगास्थनीज की इंडिका से एक प्रश्न ऑलरेडी जो है मेंस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। लेकिन वहां पर पूछा गया था नगर प्रशासन, और मैंने क्या बताया यहां पर केवल और केवल मौर्य प्रशासन का वर्णन करने के लिए कहा है। तो मौर्य प्रशासनिक जानकारी जो है ये आपको मिलती है। आपको पता होगा कि जब मेगास्थनीज के बारे में पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 ईसा पूर्व से लेकर 299 ईसा पूर्व तक रुके। 5 वर्षों तक इन्होंने अपना समय भारत में व्यतीत किया, और इस दौरान जो भी इन्होंने अनुभव किया अपनी पुस्तक इंडिका में इन्होंने लिखा है। कई सारा जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगा। तो 8 नंबर के हिसाब से ये प्रश्न डिजाइन है। तो इसमें मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा, जितने ज्यादा हो सके पॉइंट्स को डील करेंगे, उसके बाद जो है इसको आप आंसर राइटिंग करिएगा। जैसे राजा के विषय में राजा को इन्होंने बताया कि राजा विलासी होते थे जो केवल 4 कार्य यज्ञ, युद्ध, न्याय और आखेट के लिए ही बाहर जाते थे, और इनकी अंगरक्षिका महिलाएं होती थी। फिर समाज कर्म आधारित था जो 7 भागों में विभाजित था, जिसमें सर्वाधिक संख्या में कौन रहते थे, कृषक। कृषक सबसे ज्यादा जनसंख्या में रहते थे, ये बात की गई। अगला अगर मैं पॉइंट बताऊं तो अगले पॉइंट में इन्होंने दास प्रथा का उल्लेख किया। इनके अनुसार भारत में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। फिर साहित्य की अगर बात करें तो इनका कहना था कि इस समय मौर्यकालीन भारत में लोग जो थे साहित्य लेखन से अनभिज्ञ थे, इनको पता ही नहीं था कि साहित्य लेखन या लेखन कला ही इनको ज्ञान नहीं था। फिर आगे बात करें तो पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन किया है। इनके अनुसार पाटलिपुत्र को पाटलिपुत्र भी नहीं कहा इन्होंने, इन्होंने कहा क्या, पोलिब्रोथा के नगर प्रशासन का उल्लेख किया। और उसके अनुसार यहाँ का जो प्रमुख अधिकारी होता था वो एस्ट्रोनोमी होता था, और जो नगर का संचालन करने के लिए 6 समितियों का निर्माण करते थे। ये आ जाएगा यहाँ पर पॉइंट। आगे अगर मैं पॉइंट बताऊं तो यहाँ पर सैन्य व्यवस्था की भी जानकारी मिलती है, सैन्य प्रशासन की। इस सैन्य प्रशासन में ये बताया गया है कि मौर्यों की जो सेना थी वो चतुरंगनी थी, अर्थात सेना के 4 अंग होते थे। सबकी संख्या के बारे में बताया गया है। धार्मिक स्थिति के बारे में बातचीत की गई है, यहाँ पर बताया गया है हेराक्लिस। और डायोनीसस, इनकी उपासना होती थी। तो हेराक्लिस का मतलब क्या है, कृष्ण से संबंधित है,
और डायोनिसस का मतलब है शिव, तो इनकी उपासना होती थी। और भी कई सारी चीजों का उल्लेख किया गया है, लेकिन अगर आपको मेंस में इसका आंसर राइटिंग करना है तो इतने पॉइंट सफिशियंट है, क्योंकि आगे जब देखोगे इनको एक्सप्लेन करोगे तो हर एक पॉइंट जो है दो नंबर में आप दो लाइन में आपके कन्वर्ट होंगे। तो मैंने आपको यहाँ पर 7 लाइन बताए हैं, तो स्टार्ट करने से पहले आपको इंट्रोडक्शन भी देना पड़ेगा और लास्ट में कंक्लूजन भी। तो अगर मैं इस प्रश्न का उत्तर लिखता तो मेघस ने इस चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आने वाले प्रथम क्या थे, विदेशी यात्री थे जो सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भारत में भेजे गए या चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजे गए राजदूत थे, जिन्होंने अपने अनुभव के आधार पर भारत में जो भी घटनाओं को देखा उसको इंडिका में लिखा, जिसके विवरण निम्न हैं। राजा के विषय में, राजा को इन्होंने विलासी बताया जो का चार कार्यों के लिए महल का त्याग करते थे, यज्ञ, युद्ध, न्याय और आखेट, और इनकी अंगरक्षिका महिलाएं करती थी। दूसरा, समाज के विषय में, मौर्यकालीन समाज को इन्होंने कर्म के आधार पर विभाजित माना, जिसमें जिसकी संख्या 7 थी, उसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या जो थी वो किसानों की थी। इसमें आप अन्य जो विभाजन थे उनका भी नाम लिख सकते थे जो समाज के अंग थे। फिर दास प्रथा, इनके अनुसार या मेगस्निस के अनुसार मौर्य समाज में दासों का कोई स्थान नहीं था, यहाँ दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। जबकि आप अगर देखें चंद्रगुप्त चाणक्य के अर्थशास्त्र में तो वहां पर आपको 9 प्रकार के दास मिलेंगे, तो एक डिबेटेबल क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें साहित्य, तो साहित्य के बारे में इनमें बताया गया है कि साहित्य लेखन से भारतीय परिचित नहीं थे, अर्थात उन्हें साहित्य लेखन का किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं था, ये कहना है मेगस्निस का। फिर उसके बाद मैंने बताया नगर प्रशासन के बारे में, पाटलिपुत्र के या पोलिब्रोथा के नगर प्रशासन को उल्लेख मिलता है, इसका प्रमुख अधिकारी एस्ट्रोनॉमी होता है और नगर प्रशासन के लिए 6 समितियों का निर्माण किया जाता था, अलग अलग समितियां होती थी, जब अलग से टॉपिक पढ़ते हैं तो उसको देखते हैं। फिर सैन्य प्रशासन, तो मेगस्निस के अनुसार मौर्य प्रशासन, मौर्य सेना जो थी वो चतुरंगी थी, अर्थात सेना के 4 अंग थे, पैदल सेना, घुड़सवार सेना, रथ सेना और गज सेना, आप वहां तक लिखिए। फिर धार्मिक स्थिति का भी क्या किया है, इन्होंने वर्णन किया है, भारत में इस समय हेराक्लिस और डायनोसियस का क्या होता था, उपासना होती थी, डायनोसियस से शिव की तुलना की गई है और हेराक्लिस से तुलना किसे की गई है, कृष्ण से। तो इस प्रकार मौर्य साम्राज्य या मौर्य प्रशासन को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, मेगस्निस की इंडिका बन जाती है। यहां तक आपको कंप्लीट करना है। अब इसके आगे अगर मैं बात करूं तो मेगस्निस की इंडिका वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, उस समय तत्कालीन समय में जिन शिष्यों ने इनकी इनके बारे में सुना था या इनकी रचनाएं पढ़ी थी, बाद के इतिहासकारों ने इनके शिष्यों से या उनके शिष्यों के ग्रंथों से वो लाइन पढ़ पढ़ कर क्या किया, वापस से इंडिका को रिक्रिएट किया है। हालांकि आपसे ऐसा नहीं पूछा जाएगा वर्तमान में है नहीं है, बस मैंने यहाँ पर बता दिया है। तो देखिएगा इतने प्रश्न हमने यहाँ पर क्या है देख लिए हैं, आशा करता हूँ कि ये मुख्य परीक्षा की तैयारी में आपको एक दिशा दे सकते हैं और अधिक से अधिक नंबर भी आप इससे प्राप्त कर सकते हो। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।